बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट साइंस, क्लास है हमारा 6। टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर और फैब्रिक क्या होता है? फाइबर हम धागे को बोल सकते हैं, फिर ये कन्वर्ट होता है फैब्रिक में, जिसे हम फिर क्लोथ्स बना सकते हैं। देखते हैं हम, फाइबर द थिन स्टैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी और मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्टैंड्स कॉल्ड फैब्रिक्स। ये जो धागा होता है, पतला पतला सा धागा हम देखते हैं, उसे हम फाइबर कहते हैं। अब है फैब्रिक। फैब्रिक और मेड अप ऑफ यर्न्स एंड यर्न्स और फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक। पहले धागा होता है, पहले जमाने में हम इसी धागे को स्वेटर वगैरह कपड़े बनाते थे। पहले ये धागा होता है फाइबर, फिर ये कन्वर्ट होता है फैब्रिक में, फैब्रिक कन्वर्ट होता है यर्न्स में, जिसे हम पहन लेते हैं। फिर आधे कपड़े मशीन से बना सकते हैं, आधे नेचुरल होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, वो स्वेटर्स बुने जाते हैं, उसे हम फिर फैब्रिक कहते हैं। अब इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि फाइबर हमें कहाँ से, जूट कहाँ से मिलता है, सिल्क कहाँ से मिलता है, कॉटन, इसके अलग अलग किस्म है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। प्यारे बच्चों, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। आधे हम जानवरों से हासिल कर लेते हैं, आधे हम प्लांट से हासिल कर लेते हैं। जो हम प्लांट्स और जानवरों से हासिल कर लेते हैं फाइबर, इन सब को नेचुरल कहते हैं। अब देखते हैं हम कि कौन किससे मिलता है। कॉटन एंड जूट और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये जो कॉटन एंड जूट है, ये हम प्लांट से हासिल कर लेते हैं। वूल एंड स्लिक फाइबर और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब रहता है स्लिक फाइबर एंड वूल, ये हम एनिमल्स से हासिल कर लेते हैं, जिससे पुराने जमाने में वो चादरे वगैरह बनाते थे। अब है नायलॉन। नायलॉन एंड पोलिस्टर और सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन और ये पोलिस्टर जो है, ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक क्या होता है? पहले आधे हाथ हैंडमेड से बनता था, उसे हम नेचुरल कहते हैं। अब मशीनें इस्तेमाल होते हैं, वो शॉल्स स्वेटर्स वगैरह बन जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन हमें कॉटन सीड्स से हासिल होता है। एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होते हैं, ये उनके रूट से हम हासिल कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।